मौसम चुनाव का है, लिहाजा लखीमपुर की घटना को सियासी रंग देने में भी देर नहीं लगी है। लखीमपुर में हुई घटना को लेकर जहां बीजेपी सरकार बैकफुट पर है, तो वहीं विरोधी दल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। घटना के कुछ ही देर के भीतर सियासी दलों के नेताओं ने जिस तरह से आक्रामकता दिखाई, वो काफ़ी लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में देखने को नहीं मिली थी। किसान आंदोलन के सहारे बीजेपी के पीछे उसको धकेलने के लिए कोशिशें लगातार चलती रहीं। विपक्षी दलों ने किसानों की मौत को लेकर सरकार पर ज़बरदस्त हमला बोल दिया। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है, इसे देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां समल समल कर आगे बढ़ रही हैं। मुद्दे राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय सियासी दल हर मुद्दे का आकलन कर रहे हैं। गोरखपुर में हुए मनीष गुप्ता हत्याकांड को लेकर सरकार पर बस रहे विपक्ष ने अब लखीमपुर खीरी की घटना पर हल्ला बोलकर बीजेपी सरकार की नई चुनौती खड़ी कर दी है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम छोटे बड़े दल इस मुद्दे को लपक लेने के फिराक में हैं। उत्तर प्रदेश में जमीन तलाश रहे कांग्रेस ने लखीमपुर की घटना को लेकर बेहद आक्रामक अंदाज में हमला बोला। कांग्रेस महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हो रही अंदरूनी गुटबाजी के बीच राहुल गांधी और प्रियंका की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में लखीमपुर खीरी की घटना के बीच पार्टी को एकजुट होने और प्रियंका के नेतृत्व क्षमता दिखाने का मौका मिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। लखीमपुर की घटना ने एक बार फिर और अधिक मुखर होकर बीजेपी पर वार करने का मौका दिया है। मौजूदा राजनीति को देखते हुए माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होगा। ऐसे में अखिलेश यादव जितना मुखर होकर सरकार की नाकामियां गिनाएंगे, जनता के बीच पैठ बनाने का उतना ही अधिक मौका मिलेगा। ऐसे में किसान आंदोलन के सहारे अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लखीमपुर की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जैसे दूसरे छोटे बड़े दल भी हरकत में आ गए हैं। मुद्दों की तलाश कर इन पार्टियों के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है। इस घटना को लेकर जहां आम आदमी पार्टी और बसपा जैसे दल सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी पार्टियां भी मुखर होकर बोल रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव में काफी कुछ अब नैरेटिव पर सेट होने लगा है। सभी पार्टियां जनता के बीच खुद को उनका हमदर्द दिखाना चाहती हैं। यही वजह है कि जहां विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर बरस रहा है, वहीं सरकार बैकफुट पर रहकर वेट एंड वॉच की नीति पर आगे बढ़ रही है।